बक्सर जिलाधिकारी ने किया स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम का शुभारंभ। नमस्कार, मैं हूं विश्वंभर मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम फैक्स न्यूज। स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के अवसर पर जिलाधिकारी अंशुल अग्रवाल के द्वारा समाहरणालय के सभा कक्ष में दीप प्रज्वलित कर स्वच्छता ही सेवा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण तथा गृह प्रवेश कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस दौरान कहा कि महात्मा गांधी के मूल्यों तथा आदर्शों को आत्मसात करने तथा स्वच्छता के प्रति प्रतिबद्धता को प्रकट करने के उद्देश्य से वर्ष 2017 से ही स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। इस बार स्वच्छता ही सेवा का थीम स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता है तथा इसका आयोजन दिनांक 17 सितंबर 2024 से दिनांक 2 अक्टूबर 2024 तक किया जाएगा। इस दौरान मुख्य रूप से स्वच्छता की भागीदारी से जन जागरूकता, स्वच्छ भारत सांस्कृतिक उत्सव, संपूर्ण स्वच्छता अंतर्गत व्यापक स्तर पर कचरा मुक्ति अभियान का संचालन, स्वच्छता लक्षित इकाइयों को चिन्हित कर स्वच्छ बनाने, सफाई मित्र, सुरक्षा शिविर इत्यादि कार्यक्रम आयोजन किए जाएंगे। जीविका के समुदाय आधारित संगठनों में जीविका आधारित स्वच्छता संवाद का आयोजन किया जाएगा, जिसमें स्वच्छता श्रमदान, हस्ताक्षर अभियान, जीविका दीदियों तथा स्थानीय स्वच्छता चैंपियन द्वारा स्वच्छता संबंधी कार्यों का अनुभव साझा किया जाएगा। स्वच्छता रैली, स्वच्छता शपथ का आयोजन का कार्यक्रम किया जाएगा। और सुनिए क्या कहते हैं बक्सर जिलाधिकारी। देश के आलोक में आज 1424 जो हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुक थे उनको स्वीकृति दी जा चुकी आज दिनांक तक। इसमें से कईयों के प्रथम किश्त और घरों की चाबियां भी आज काफी लाभुकों को सौंपी गई है। सभी के उज्जवल भविष्य की, उनके घर परिवार के उन्नति की मैं कामना करता हूं। और इसके अतिरिक्त एक और भारत सरकार और बिहार सरकार का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है स्वच्छता ही सेवा, उसका भी शुभारंभ कर दिया गया है। लगातार 15 दिनों तक जो हमारे नगर निकाय के अधिकारी हैं उनके कर्मी हैं, ग्रामीण विकास क्षेत्र के पदाधिकारी कर्मी हैं, सभी के समन्वय से विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन जिला प्रशासन के स्तर से किया जाएगा और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जन भागीदारी रहे, इसी के लिए हम लोग तत्पर हैं। और हम लोगों का प्रयास यही है कि जो व्यवहार परिवर्तन है स्वच्छता के क्षेत्र में, वही सबसे ज़्यादा सर्वोपरि है, सबसे ज़्यादा मायने रखता है, उसके लिए पूरी तरीके से फोकस किया जाए। सर, प्रधानमंत्री आवास योजना और चाहे जो बिहार सरकार के द्वारा योजना का लाभ दिया जाता है उसमें इंदिरा आवास, उसमें जो कर्मचारी होते हैं जैसे ही पहला किस्त जाता है तो कहीं ना कहीं लाभुक पर पैसा लेने के दबाव बनाते हैं, 10,000 रुपया पहले किस्त लेते हैं। इसमें इस तरह की देखिए पूर्व में भी जहाँ पे शिकायत आई थी हम लोगों के द्वारा कार्रवाई भी की गई है और निरंतर जिस प्रकार से यदि कोई शिकायत मिलती है तो जिला प्रशासन के स्तर पर कठोर कार्रवाई की जाए। गंगा काफी